हेलो फ्रेंड, हेलो पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आप सबको ये पता हो चुका होगा कि आपके पेपर कैंसिल हो चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट्स, 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स काफ़ी हैप्पी है, खुशी हैं कि उनके पेपर अब रद्द कर दिए गए हैं और उनको बिना पेपर दिए ही पास किया जाएगा। क्यों पास किया जाएगा? क्योंकि वो 10th क्लास में पास है, 11th में भी पास है और 12th में जो इतने दिन उन्होंने पढ़ाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पास तो किया ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों से जो मुझे बात पता चली है वो नाराज भी है। क्यों? क्योंकि अगर यही न्यूज़ देना था तो वो एक महीना पहले भी दिया जा सकता था, जिसमें उन्होंने घोर प्रयत्न किया है, घोर उन्होंने परिश्रम किया है, उन्होंने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया है। लेकिन जो 80% लोग थे उनको पता था कि 10th का एग्जामिनेशन अगर कैंसिल हुआ है तो 12th का एग्जामिनेशन भी कैंसिल होगा। वो तुक्के से चल रहे थे और कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। उन बच्चों में अब काफ़ी निराशा है। जो बच्चे 12th क्लास का प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि हमारा इसमें 15 तारीख के बाद या 15 दिन पहले हमें बताया जाएगा और एग्जामिनेशन होगा, लेकिन आप नाराज़ नहीं होइए। अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं होंगे तो होगा क्या कि आप दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा CBSE ने प्रावधान निकाला है और वो निकालेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए काफ़ी खुशी की बात है जो पूरे साल ऑनलाइन में टेप के इधर उधर से कैसे भी करके या कुछ पढ़ाई करके उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है और अपना एग्जामिनेशन में नंबर्स लाए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हैप्पी है, खुश हो, आगे की लाइफ के लिए, आगे की जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कीजिए, आपके एडमिशन की तैयारी कीजिए। लेकिन खुश होने के साथ साथ थोड़ा प्रिपरेशन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं और आप ये सोच रहे हो कि चलो हमारा रिजल्ट। मैं भी खुश हूँ यार, मैं ये सोच रहा था कि कहीं पेपर हो जाए, जैसे गवर्नमेंट की ये नीति थी कि भाई पेपर होना ही चाहिए था तो पेपर ले सकते थे। तो मैं एक ऐसा सोचा था कि अगर पेपर लेंगे तो भाई, क्योंकि बच्चे सारे हर घर में कोई ना कोई बीमार था और उसमें वो टेंशन में थे, तो बच्चे का पेपर नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लेते हैं तो मैं ये सोच रहा था कि पेपर अगर लें तो बच्चे को 4-5 सैंपल सेट दे दिया जाए और बोला जाए कि सैंपल सेट के अंदर से ही पेपर लिया जाएगा, ताकि वो बच्चे अपना प्रिपरेशन कर ले और उसका टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि देखो, माइंडली टेंशन बहुत बड़ा टेंशन होता है, ठीक है। तो आप खुश हैं, सारे खुश हैं, 80% बच्चे सारे खुश हैं, 10% और 20% जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन किया है और वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा जो दोस्त है वो तो दिन भर घूम रहा था और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, उसका भी रिजल्ट बल्ले बल्ले हो गया, तो भाई मैं क्यों फंस गया। ये अगर सोच के वो नाराज हो रहे हैं तो नाराज मत होइए, आप अपना मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा आ सकता है तो नो प्रॉब्लम, CBSE आपको दोबारा मौका देगी, आप एग्जामिनेशन दीजिए और अच्छे मार्क्स ऑब्टेंड कर लीजिए। और रही बात कि आपका जो एडमिशन होगा और एडमिशन आगे कॉलेज में होगा तो बाद में आप वो सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा निर्णय था सरकार का, क्योंकि ये जो कोविड का समय चल रहा था जिसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं बीमार पड़ रहे थे और हर घर में लगभग कोई ना कोई बीमार 15-20 दिन में पड़े हैं और वो मेंटली प्रेशर से गुजर रहे थे, तो बच्चे सोच रहे थे कि भाई पेपर नहीं होगा, तो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो इसमें हैप्पी की बात है कि चलो ठीक है भाई। अब आती है मार्क्स की, मार्क्स कैसे आएगा। तो मार्क्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपका जो मार्क्स है वो रिलेवेंट मार्क्स होगा कि 10th क्लास में जो आपने मार्क्स लिया है। मेरा जहां तक अनुमान बनता है कि जो आपके 10th क्लास में मार्क्स होगा उस मार्क्स के इर्द गिर्द ही आपका मार्क्स होगा। सपोज आपने अगर 92% मार्क्स ऑब्टेंड किया है तो हो सकता है कि आपका मार्क्स 93% या 94% के आसपास आए ड्यूटी 11th क्लास एंड 12th क्लास का, अगर एवरेज आपने अच्छा काम किया होगा। लेकिन अगर आपने अच्छा काम नहीं किया होगा, कुछ ढिलाई दिया होगा, जो कि हर बच्चा 11th क्लास में देता है,
खेल खेल कर पेपर देता, सोचता है इलेवेंथ में तो इंजॉय करेंगे, फिर ट्वेल्थ में देखा जाएगा, अगर उसके एवरेज मिलाया जाएगा तो आपका मार्क्स थोड़ा सा डाउन हो सकता है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। आपका 2% डाउन हो सकता है, हो सकता है 90% हो या 91% हो। अगर किसी का 64 है तो हो सकता है 65 आ जाए, 66 आएगा, और किसी का 63 भी आ सकता है, 62 भी आ सकता है, मेरा जहां तक मानना है। बाकी रिजल्ट आने के बाद हम भी देख लेंगे और आप भी देख लेंगे, ठीक है? तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, और आप नए सेशन के लिए और नए कॉलेज में एडमिशन के लिए आप आगे का इंतजाम कीजिए, कहां आपको जाना है, किस फील्ड में जाना है। कम से कम आप इस चीज से राहत तो हो गए, कौन से चीज से, कि भाई पेपर होगा, जुलाई में होगा, जून में होगा, अगस्त में होगा, रिजल्ट कब आएगा, इससे तो गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे दिया। मतलब गवर्नमेंट भी हमारे अगेंस्ट नहीं सोचते हैं, गवर्नमेंट भी हमारे रिलेवेंट सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है सुरक्षित रहे और अच्छा करे, ठीक है? तो मार्क्स कुछ नहीं करता, नॉलेज सबसे बड़ी बात होती है, आप नॉलेज गेन कीजिए। अगर कहीं पर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका जो है इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू में भी अच्छा करते हैं तो आपको मार्क्स समझा जाएगा कि बच्चा पढ़ गया है। लेकिन अगर मान के चलो आप 92% मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं और 92% धोखा से भी आ गए आपके पास मार्क्स, और आपने उसका जवाब 5 क्वेश्चन आपसे पूछा और 5 में आपने 1 का भी जवाब नहीं दिया, तो वो आपका नॉलेज गेन, आपके नॉलेज को जीरो कर देगा और सोचेगा कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता, ठीक है? सो नॉलेज मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता है। आप अपना सोच बदल लीजिए और हैप्पी हैप्पी आप न्यू सेशन के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है? ओके, फिर मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो मार्क्स है आपका एग्जैक्ट कितना हो सकता है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और खुशी खुशी आप अपने मार्क्स को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपका मार्क्स एक्सेप्ट नहीं होता है तो दोबारा पेपर के लिए आप तैयारी करते रहिए, और हो सकता है आप 99% लेकर आए, ठीक है? सारे बच्चों के लिए हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन।